शहर के सदर थाना क्षेत्र में अजमेर रोड हाईवे क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर संचालक को धौंस दिखाते हुए फर्जी डीआई सोमवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सदर थाना पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पर दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक युवक दिल्ली का तथा दूसरा जयपुर निवासी है। जानकारी मिली है कि दोनों युवकों ने जिले के कई अन्य गाँवों में भी इसी प्रकार मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ इस प्रकार धौंस दिखाकर रोक झाड़ने तथा उन्हें डराने धमकाने का काम कर चुके हैं। जिले में पीड़ित दुकानदारों ने दोनों युवकों की फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर रखी थी। इसी के चलते यह दोनों युवक सोमवार को ब्यावर क्षेत्र में पुलिस के हाथ लग गए। जानकारी के अनुसार रामनगर जयपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद तथा दिल्ली निवासी पवन पुजारी पुत्र नथुराम सोमवार को RJ18UB1621 नंबर की कार में सवार होकर अजमेर रोड हाईवे सदर थाने के सामने इस तुलसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कार में प्रेस सत्ता एडवोकेट का लोगो भी लगा हुआ था। अजमेर रोड पहुंचने के बाद दिल्ली निवासी पवन कुमार तो गाड़ी में बैठा रहा तथा जयपुर निवासी राजेंद्र तुलसी मेडिकल पर पहुंचा, जहां पर उसने स्टोर मालिक तुषार विश्वास को पेट दर्द की शिकायत करते हुए दवा देने की मांग की। इस पर तुषार ने राजेंद्र को एक गोली दे दी। गोली देते हुए राजेंद्र ने तुषार से अपने आप को DI बताते हुए मेडिकल का लाइसेंस दिखाने को कहा। इस पर तुषार ने उससे पहले अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा। तुषार के पहचान पत्र दिखाने की बात पर राजेंद्र ने बात बदलते हुए अपने आप को मीडियाकर्मी बताते हुए धौंस दिखाने का प्रयास किया। इस पर तुषार ने शहर के मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को घटनाक्रम से अवगत कराया, जिस पर तुरंत प्रभाव से एसोसिएशन के कुछ लोग मौके पर पहुंचे तथा दोनों युवकों से बातचीत की, लेकिन उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होने पर एसोसिएशन वालों ने दोनों को थाना पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान तुलसी मेडिकल स्टोर के संचालक तुषार विश्वास ने पुलिस को दोनों के खिलाफ लिखित शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। जानकारी मिली है कि एक युवक के पास चाणक्य टुडे मीडिया प्लेटफॉर्म का एक एक्सपायर पहचान पत्र मिला है। पुलिस के अनुसार जिले के कई गांवों में भी इन दोनों युवकों की ओर से इस प्रकार की घटनाएं करने की जानकारी मिल रही है। पुलिस दोनों युवकों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। सर सुबह आया मेरे पास, मेरे से दवाई मांगा कमर अमर दर्द के लिए। कोई था, कोई कार में आया था, वो DI बन के आया था DG। फिर मेरे को बोला आपका DL नंबर बताइए। फिर मैंने बोला ये आपका ID कार्ड दीजिए मेरे को, दिखाइए आप कौन। फिर मेरे को एक ID कार्ड दिया, कोई पत्रकार का था, वो भी एक्सपायर हुआ था। उसका बाद मैंने हाथवाद हमारा मेडिकल का उपाध्यक्ष नरेश जी को मैंने हाथवाद फ़ोन किया एवं उसका ID जो भी है मैं नरेश जी को व्हाट्सअप कर दिया। फिर नरेश जी मेरे को बोला ये फर्जी है, आप इसको रुक के रखिए, मैं आधा घंटा में आ रहा हूँ। तब तक मैंने इसको रुक के रखा है ना। फिर वो भागने का कोशिश किया, मेरे आसपास का जो भी पड़ोसी दुकान वाला था उन लोग पकड़ लिया। फिर उसको मैंने थाना में ले लिया। फिर यहाँ लाने के बाद मैंने रिपोर्ट कर दिया उसका नाम। हाँ, पैसा मांग रहा था सर, बोल रहा था रसीद कटा लीजिए 20,000 का, तो आपको चैनल में नहीं दिखाएंगे, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। कल पहले तो DI बन के किया, फिर बाद में बोला मैं पत्रकार हूँ।